हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के हाल बारिश में बदतर है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे सप्ताह भर से बंद है, जिससे कुल्लू मनाली का देश दुनिया का संपर्क कट गया है। इसी बीच प्रशासन ने कल यानी 24 को भी जिले भर के सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश दिए हैं। वहीं स्थानीय लोग तेज बारिश के बीच कई तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं। मौसम को लेकर जो लेटेस्ट स्थिति है, उसमें मौसम विभाग द्वारा कुल्लू जिला के लिए आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ऑलमोस्ट पूरे ही ज़िला में आज सुबह से 9:30 बजे से हल्की या कहीं पे थोड़ी तेज़ बारिश जो है वो चली हुई है। ऑल्दो डिस्ट्रिक्ट के किसी भी हिस्से में कोई बड़ा मेजर रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट या किसी मेजर लॉस की अभी तक कोई सूचना नहीं है। एंड इस परिस्थिति को देखते हुए कि आज फोरकास्ट है और कल का भी फोरकास्ट है, तो कल एहतियातन तौर पे सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में बंद कर दिए गए हैं। एक मेजर इशू हमारे लिए ये ज़रूर है कि हमारी कुल्लू और मंडी ज़िला के बीच की कनेक्टिविटी जो है वो ज़रूर डिसरप्ट हुई है। इस समय पर कंडी कटौला वाला विकल्प वो भी बंद है और पंडोह में जो अल्टरनेट अरेंजमेंट किया गया था NH को चलाने के लिए वो भी इस समय बंद है। सभी लोगों से मेरा ये आग्रह है कि अभी अनावश्यक यात्रा जो है वो ना करें एंड हमारी एडवाइजरीज़ को समय समय पर देखते रहें। DDMA या पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके भी लोग पता कर सकते हैं और लेटेस्ट स्थिति के हिसाब से जो है तभी अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान करें। सो एज एंड व्हेन रोड्स, एटलीस्ट हमारा कंडी कटौला वाला रोड जब बारिश रुकेगी तो उसको बहाल करा जाएगा, तो उसको जब बहाल कर दिया जाएगा तो वी विल ट्राई कि हमारी एसेंशियल्स की सप्लाई जो है वो सुचारू रूप से चल पड़े। हाँ, कुल्लू जिले की बात कर रहा हूँ। यहाँ आने जो हमारा क्षेत्र पड़ता है ओडसार का, वहाँ कल से ही छुट्टियाँ डिक्लेयर कर दी। बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, खासकर बच्चों की जो पढ़ाई पर, और साथ में नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। लैंडस्लाइडिंग, बीचे घर गए लोगों के, बहुत सारा प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। और हमारा जो आनी कस्बा जो है उसमें लगभग 25% जो है अनसेफ किया गया है। बहुत सारे होटल्स और दुकानें, लोगों के रेजिडेंस सभी जो है क्षतिग्रस्त हुए और बहुत ही नुकसान हुआ। लोग जो कताई तराई में, सारी सड़कें बंद है, लिंक रोड सारे बंद है, मेन रोड बंद है, छोटी गाड़ियाँ चल रही है, बसों का तो कोई अनसर्टेन नहीं है, पता नहीं कब खुलती है। तो ये है हमारे जिले का, खासकर यहाँ कुल्लू में आज भी छुट्टियाँ हैं। आज थोड़ी देर बाद जो है छुट्टियाँ डिक्लेयर कर दी है, बच्चे अभी घर जा रहे हैं, बारिश हो रही है, सभी लोग जो है तराई मान है। तो ये है हमारे जिले की स्थिति है, ये स्थिति बरकरार है और हम आशा कर रहे थे कि भी शायद दिन पर दिन थोड़ा ठीक हो जाए ये जो बरसात की जो सिचुएशन है मानसून की, लेकिन ये दोबारा हटके दोबारा आ गया। 23-24 का फिर बताया है। आनी जो हमारा क्षेत्र है वहाँ कल ही छुट्टियाँ डिक्लेयर कर दी है, 2 दिन की गई, हो सकता है आगे आने वाले दिन में दोबारा हो जाए। और कुल्लू में भी आज अभी जो छुट्टियाँ डिक्लेयर हुई है, कल का भी अनसर्टन है, कोई सर्टन नहीं है। कल बंद रहते हैं या स्कूल खुलते हैं, लेकिन बच्चों का जो नुकसान हो रहा है ये है सबको दिख रहा है। और छुट्टियाँ होना भी स्वाभाविक है क्योंकि बच्चों का जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है ये बहुत ज़रूरी है।